नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। आज मैं आपको एक्सेल में वी लुकअप का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सेल में दो टाइप के लुकअप होते हैं, एक होता है वर्टिकल लुकअप मतलब कि वी लुकअप, और एक होता है एच लुकअप मतलब कि हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो आज हम आपको वी लुकअप दिखाएंगे एक्सेल में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा है जिसमें मैंने लिया है सीरियल नंबर, एम्प्लॉई नेम, डिजिग्नेशन, बेसिक, नेट सैलरी, और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा भी यहाँ पे ऐड करके रखा है। और यहाँ पे मैंने देखिए कुछ कॉलम का नाम लिया है ये टेबल से ही, इनके ऊपर बेस करके हम यहाँ पे वी लुकअप यूज़ करके डेटा को निकालेंगे, और ये टेबल से ही डेटा सर्च होके वी लुकअप के थ्रू यहाँ पर आएगा। तो टेबल में देखिए, ये जो सीरियल नंबर 6 वाला डेटा है इसके ऊपर बेस करके अभी हम पहला वाला कंडीशन आपको दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 टाइप किया सीरियल नंबर में, और अभी हम यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखेंगे वी लुकअप का। फॉर्मूला लिखने के लिए पहले हम देंगे इक्वल, फिर लिखेंगे वी लुकअप, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम सीरियल नंबर का जो सेल है इसमें हम क्लिक करेंगे। देखिए, क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर एच और रो नंबर है 4, यहाँ पर एच 4 आ गया। फिर हम देंगे एक कॉमा, अब हम पूरा टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे F4। प्रेस करने के साथ टेबल जो है यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हमको यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम टेबल में कितने नंबर कॉलम में है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में है मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर हम देंगे एक कॉमा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शंस आएंगे नीचे, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमको फॉल्स करना है, फॉल्स करने के लिए आप 0 लिखेंगे, जस्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो 6 नंबर में जो एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर में जो नाम था वो यहाँ पे दिखा रहा है। अभी इनका जो नेट सैलरी है, सुमन रॉय का नेट सैलरी, ये हम अभी निकालेंगे। ये देखिए, ये जो नेट सैलरी का अमाउंट है ये हम वहाँ पे निकालेंगे वी लुकअप के थ्रू। अब हम नेट सैलरी में लिखेंगे इक्वल वी लुकअप, फिर हम करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, फिर हम एग्जैक्टली वही सेल सिलेक्ट करेंगे H4 मतलब कि सीरियल नंबर का, फिर देंगे कॉमा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेबल का जो है पूरा टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पूरा टेबल को, फिर इसको हम फ्रीज करेंगे F4 प्रेस करके, फिर हम देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद यहाँ पे देखिए नेट सैलरी जो है वो टेबल में 5वें नंबर पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मतलब कि फिफ्थ नंबर पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, फिर देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद सेम फॉल्स करना होगा हम लोगों को यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 डालेंगे, ठीक है 0, जस्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अभी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, एंटर करने के साथ साथ देखिए नेट सैलरी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा जो सीरियल नंबर 6 में था। तो ये देखिए टेबल में एक बार सीरियल नंबर 6 में नाम और उसका नेट सैलरी, तो ये हो गया आपका। तो देखिए वी लुकअप, एक्चुअली वी लुकअप को जो है वो वर्टिकली फाइंड करता है टेबल से डेटा, वर्टिकली। तो वर्टिकली आप कोई भी डेटा या फिर कोई भी सीरियल नंबर आप लिख के यहाँ से डेटा को फाइंड कर सकते हो। तो मैंने 8 लिखा, एंटर किया, देखिए सीरियल नंबर 8 में जो डेटा थे वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। फिर आप 9, 10 कुछ भी लिख सकते हो सीरियल नंबर, उसके रेफरेंस में आपको यहाँ पे डेटा दिखाया गया। ये देखिए मैंने सीरियल नंबर में 9 लिखा था तो उसका डेटा यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो यह था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप एक्सेल में वी लुकअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।